क्या करे है फ्री टाइम में। चलो धर्म को वीडियो कॉल ही लगा देता हूँ, वो तो ठाला ही बैठा होगा। और धर्म क्या चल रहा है? मिल्की वे पे मूनवॉक कर रहा हूँ। अरे साले माफ करना, गुस्से में थोड़ा इधर उधर निकल जाता हूँ। जाहिर सी बात है, क्वारंटाइन है तो घर में रहूंगा ना। वो मुझे पता है, कैन यू प्लीज इलेबोरेट। छिड़क ले तो तू भी छिड़क ले। तू अच्छी तरह मेरी मम्मी को जानता है ना। अभी सारी बाइयों ने जीटी लगा ली है और उसकी वजह से मेरे रास्ते लग गए। भाई कितना कुछ सोचा था यार, ये करूंगा वो करूंगा, कोडिंग करूंगा, बॉडी पे काम करूंगा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है यार। घर बिग बॉस का घर बन चुका है। पापा बिग बॉस, बहन नॉमिनेट करने पे तुली हुई है, और मम्मी कैप्टन टाइम टाइम पे टास्क देती रहती है। ओह अभी थोड़े दिन पहले मैं मजे मजे में घर से बाहर निकल गया, तब लॉकडाउन शुरू ही हुआ था, कोरोना के इतने ज्यादा था नहीं। नो, रुक जा, बाहर अरे पुलिस घूम कुछ नहीं रही है। होगा, बाय। A few moments later. खोल गेट खोल। क्या हुआ भैया, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? ये हुआ। आज तक उस चीज का दर्द है यार। ओह नो, दिनों के लिए तशरीफ अपने घर में भी टिका लो, घर धन्य हो जाएगा। अरे तू कुछ दिनों की बात कर रहा है, मैं तो लॉकडाउन खत्म हो जाए तो भी घर से बाहर नहीं निकलूंगा अब। हाँ भाई, पुलिस तो पुलिस है, मेरे खुद के घर वाले। अबे जरा सा खास क्या, दो ऐसे देखते हैं जैसे जायदाद में हिस्सा मांग लिया। साक्षी, इसको हल्दी का दूध दे। नाक पहनी चप्पल घिसी दे, खुल जाएगा अभी। चुपचाप कर। ठसका भी आए तो बाथरूम में जाके लेना पड़ता है यार। ओह नो, पर कुछ भी कहो यार, घर वाले हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए कहते हैं, इसलिए मैं भी हमेशा प्रिकॉशन रखता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही क्या आया है आज व्हाट्सएप पे, अगर बाहर से कोई चीज घर पर आती है तो सबसे पहले उसके आसपास हाइपोक्लोराइड से स्प्रे कर दो। मुझे क्या पता था कि वो सिर्फ प्लास्टिक और मेटल पे ही करना है, मैं तो सब्जी पर भी कर दिया। अगले दिन वही सब्जी खाई, कसम से उस सब्जी में मसाले से ज्यादा डेटॉल का स्वाद आया है। लोग ना भाई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। मेरी बहन को ही ले ले, पहले जो मैं खाऊं वो उसको भी खाना होता था।
अकेले अकेले उम्र सारी अकेले अकेले। अबे ये तो अकेले ही लगा हुआ ना। और अब आएगी या फिर अकेले अकेले। यार सही करती है बहन, प्रिकॉशंस रखना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं फोन कर कर के अवेयरनेस स्प्रेड करता हूँ। कल मैंने पोपली पप्पू और पिंटू को कॉल करा, पता नहीं क्यों उन्हें समझ में ही नहीं आया। हेलो पोपली, अरे तुझे डीसीटी के बारे में पता है क्या? डीसीटी बोले तो डिजिटल कोरोना ट्रांसमिशन। अरे भाई तूने एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर वायरसेस को ट्रांसफर होते हुए नहीं सुना? कोरोना क्या है, वायरस ही तो है। अरे भाई गालियां क्यों दे रहा है? अरे फोन काट क्यों रहा है यार, पिंटू को करता हूँ। हेलो पिंटू, अरे भाई मैं वही तो, अरे भाई व्हाट्सएप पे जो भेजा था वही तो समझाने के लिए फोन करा है। अरे सही है एकदम, जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा वो सही है एकदम। अरे प्रूफ है उसका? अरे मैं अरे लाकर लाऊंगा, प्रूफ तेरे ले लाऊंगा, उसका प्रूफ भी लाऊंगा। चलो ऐसी बातें करता है फोन पे यार। तू खास दिया। ओह नो डीसीटी यार, डीसीटी मैं फोन रख रहा हूं यार, सॉरी आई एम सॉरी यार। अरे डीसीटी डीसीटी कुछ नहीं होता। हेलो हेलो, ये तो नहीं समझा लेकिन आप जरूर समझ जाइए। व्हाट्सएप पे फेक न्यूज मत फैलाइए और ना फैलने दें। स्टे होम स्टे सेफ। हेलो धर्म, एक चीज भूल गया, सब्सक्राइब यार। अभी तो वीडियो कॉल पे कोरोना ट्रांसफर हो रहा था साले, एक बार लॉकडाउन खत्म हो जाए तेरे घर में घुस के मारूंगा।